कृषि फसलों के बाजार मूल्य पूरी तरह से गिर गए हैं और अब किसान गुस्से में है। संगमनेर के बोरबॉन गांव में गुस्साए किसान के लिए गोभी की फसल पर अपना ट्रैक्टर पलटने का समय आ गया है। संगमनेर के 45 वर्षीय किसान बाला साहेब नामदेव गाड़ेकर ने दिसंबर के महीने में गोभी की फसल लगाई थी और उन्हें पूरा भरोसा था कि इससे बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी। उन्हें लगा था कि गोभी का बाजार भाव अच्छा मिलेगा, लेकिन भाव एकदम से गिर गए हैं। किसान ने इस पर दुख जताया है कि कोई मुफ्त में गोभी खरीदने को तैयार नहीं है। उन्होंने ट्रैक्टर के जरिए इस फसल पर फनी और हल चलाया है। कुल मिलाकर मार्च का अंत करीब आ रहा है और अब गाड़ेकर के सामने एक बड़ी समस्या है कि बैंक कर्ज कहां से दे। हताश किसान की अपनी ही फसल पर ट्रैक्टर पलटने की तस्वीर सामने है। सांगायचं जर शेतकऱ्यांबद्दल ठरलं तर आज जरी माझं कृषी सेवा केंद्र जर दुकान असलं तरी माझी आज शेती आहे। तर सरकारला एवढं सांगणं आहे शेतकऱ्यांच्या वतीने की शेती मालाला चांगला योग्य तो हमी भाव दिला पाहिजे। कारण आज जर तुम्ही चांगल्या चांगल्या मॉलमध्ये जर गेलं तर तिथं फिक्स प्राईज ही ठरलेली आहे। तशीच आज शेतकऱ्यांच्या मालाला ही फिक्स प्राईज म्हणजे फिक्स रेट हा ठरला पाहिजे, जेणेकरून शेतकरी राजा हा अडचणीत येणार नाही। कारण शेतकरी राजा म्हणजे जगाचा आज तो पोशिंदा आहे। नामदेव गाडे, जिल्हा अहमदनगर, तालुका संगमनेर। मी धारगाव गोरबन माझे गाव, माझे क्षेत्र 20 गुंठे। उत्पन्न चांगले मिळेल या आशेने मी आज किती बेकार परिस्थिती झाली। बँकेचे येणारे वाढवले हप्ते ते कसे फेडायचे हा प्रश्न होते।